दोस्तों, दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से महाभारत के युद्ध में अपनी मृत्यु के समय पूछा कि आखिर मेरा क्या दोष था, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया, आज इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ वाली घंटी को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी से कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखते हैं और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत का एक ऐसा वीर योद्धा जिसकी गाथाएं आज तक प्रचलित हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच संवाद हो रहा था, सूर्यपुत्र कर्ण ने कृष्ण जी से पूछा, मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य जी ने मुझे सिखाया नहीं क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी के पास गया तो उन्होंने मुझे सिखाया। जब मैंने उनसे शिक्षा प्राप्त कर ली और उन्हें मेरी सच्चाई के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जिस वक्त मुझे उनकी शिक्षा की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी उस समय मैं उनकी दी हुई शिक्षा भूल जाऊंगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था, केवल संयोगवश गाय को मेरा बाण लगा, उसके स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा खूब अपमान किया गया, मुझे सूत पुत्र कहा गया। माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरे जन्म का रहस्य बताया और उस समय भी उन्होंने मुझसे दान में अपने बेटों को बचाने के लिए कहा। जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ वह सब दुर्योधन से प्राप्त हुआ था, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ा तो मेरी क्या गलती थी? हे वासुदेव, मैं कहाँ गलत हूँ? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे राधे, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मेरी प्रतीक्षा में सभी घात लगाए बैठे थे। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात में माता पिता से दूर कर दिया गया। मेरे मामा कंस मुझे मारना चाहते थे। तुम्हारा बचपन खड़ग, रथ, घोड़े, धनुष और बालों के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए बीता। मुझे तो ग्वाले की गौशाला मिली और गोबर मिला और खड़ा होकर चलना सीख भी नहीं पाया था। उससे पहले ही कई प्राण घातक हमले मुझे झेलने पड़े। उन राक्षसों से लड़ना पड़ा जिन्हें खुद मेरे मामा ने मुझे मारने के लिए भेजा था। ना कोई सेना, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले। उनकी समस्याओं का कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई भी शिक्षा नहीं मिली थी। जब मैं 16 वर्ष का हुआ तो कहीं जाकर ऋषि संदीपन की गुरुकुल में पहुंचा। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके, लेकिन जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वह मुझे कभी मिली ही नहीं। मुझे उन कन्याओं से विवाह करना पड़ा जिन्हें मेरी चाहत थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना किनारे से हटा एक दूर समुद्र के किनारे में बसना पड़ा। उन्हें जरासन से बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। रणभूमि से पलायन करने के कारण मुझे रण छोड़ भी कहा गया। और फिर तुम यह सोचो कि अगर दुर्योधन युद्ध जीत जाता है तो तुम्हें उसका बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन अगर धर्मराज युधिष्ठिर जीते तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं का दोषी ठहराया जाएगा। मुझे अनेकों श्राप झेलने पड़ेंगे, उन माताओं की पीड़ा को सहना पड़ेगा जिनके पुत्र इस युद्ध में बलि हो जाएंगे, या फिर उन पत्नियों के श्राप को सहना पड़ेगा जिनके पति इस युद्ध में शहीद होंगे। एक बात हमेशा याद रखना राधे, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। जिंदगी किसी के साथ भी न्याय नहीं करती। सत्य धर्म क्या है यह तुम भली बातें जानते हो। कोई बात नहीं, अगर हमारा अपमान हो, जो अधिकार हमारा है हमें ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन महत्व की बात यह है कि तुम उस संकट का सामना कैसे करते हो। अगर तुम उस समय उस संकट का सामना कर लेते तो आज तुम्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता। इसलिए रोना धोना बंद करो। अगर जिंदगी न्याय नहीं करती, इसका मतलब यह नहीं कि हम अधर्म के पथ पर चलने लगे। धर्म कभी भी इस बात की अनुमति नहीं देता। आज तुम्हारा वध निश्चित है और वह भी अर्जुन के हाथों। ऐसे में कर्ण ने दोबारा श्री कृष्ण से पूछा, मैं मृत्यु के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे सामर्थ्य का क्या? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें छल से मारना पड़ रहा है राधे, इससे ज्यादा बड़े सामर्थ्य की और क्या बात हो सकती है। तुम्हारा रथ उस भूमि में फंस चुका है, उसका पहिया तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। यही काल चक्र का नियम है और उसी समय छल पूर्वक अर्जुन को अंजनी अस्त्र से तुम्हारा वध करना ही होगा। यहीं से धर्म की नींव रखी जाएगी और धर्म के लिए सब कुछ करना ही पड़ता है। इसलिए अब रोना धोना बंद करो। तुम्हारा सामर्थ्य दुनिया जानती है और आने वाले युगों में तुम्हारा नाम हर
हर किसी की जुबान पर रहेगा। तुम्हें युगो युगो तक दुनिया सूर्य पुत्र दानवीर महारथी कर्ण के रूप में जानेगी। तो दोस्तों, यह थे दानवीर कर्ण और भगवान श्री कृष्ण के बीच के संवाद, जो कि महाभारत के युद्ध के बीच में हुए थे। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से अर्जुन ने कर्ण को मारा था। महारथी कर्ण के रथ का पहिया गड्ढे में धस चुका था। ये देखकर कर्ण रथ से उतरकर भूमि से रथ के पहिए को निकालने का प्रयास करते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, क्या देख रहे हो पार्थ? अर्जुन कहते हैं कि मैं रथ पर हूँ केशव, और वह पैदल है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध में रथ तो टूटते ही रहते हैं, वह महारथी है, दूसरे रथ पर क्यों नहीं जाता? तब अर्जुन कहते हैं कि यह युद्ध के नियमों के विरुद्ध है केशव। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अंगराज कर्ण ने कब युद्ध के नियमों का पालन किया था पार्थ? वो दुर्योधन के हर कपट का भागीदार है। जब इसी कर्ण ने अभिमन्यु के वध में सबका साथ दिया था, तो अभिमन्यु भी पैदल ही था। और जब भरी सभा में दुर्योधन ने पांचाली का अपमान किया था वस्त्र चीर हरण करके, तब भी यही कर्ण हंस रहा था। यह सब बातें सुनकर अर्जुन क्रोधित हो गए और दुखी होकर प्रियंचा चढ़ाकर असहाय कर्ण पर दिव्य अस्त्र तान देता है। और अभिमन्यु को याद करते हुए अर्जुन तीर छोड़ देता है और तीर कर्ण की गर्दन को काट देता है। इसके बाद रात्रि में भीष्म पितामह के पास जाकर रोते हुए कहते हैं कि पिता, आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया, मेरा कोई भी मित्र नहीं बचा, एक ही मित्र था, वह भी अब नहीं रहा। पितामह भीष्म कहते हैं कि राधे की मृत्यु तो उसके जीवन का प्रसाद है, उसे राधे ना कहो, वह कौनत्य है, और कर्ण भी जानता है कि वह कौनत्य है, फिर भी वह तुम्हारे पक्ष में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गया। यह सुनकर दुर्योधन सन्न सा रह गया। और दूसरी ओर कुंती अकेली युद्ध भूमि में कर्ण के शव के पास जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहां श्री कृष्ण के साथ पांचों पांडव आ जाते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि माता श्री, हमारे इस प्रधान गुरु के शव के पास बैठी हुई आप क्यों रो रही हैं? हे वासुदेव, आप माता श्री को समझाते क्यों नहीं कि शत्रु के शव पर आंसू बहाकर वे अपने पुत्रों का अपमान कर रही हैं? धर्मराज युधिष्ठिर वासुदेव से कहते हैं कि आप माता कुंती को समझाते क्यों नहीं कि ये राधे है? तभी कुंती कहती है कि ये राधे नहीं, ये कौनत्य है, ये मेरा ज्येष्ठ पुत्र है और तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता है। यह सुनकर युधिष्ठिर, अर्जुन और बाकी सभी भाई सन्न रह जाते हैं। तभी युधिष्ठिर कहता है कि आपके मौन ने हमें अपने ही ज्येष्ठ भ्राता का हत्यारा बना दिया। आज मैं इस रणभूमि में अपने ज्येष्ठ भ्राता के शव को साक्षी मानकर सारी नारी जाति को यह श्राप देता हूँ कि आज के उपरांत वह कोई भी भेद अपने भीतर नहीं रख पाएगी, यानी कि किसी भी भेद को वह भेद रख ही नहीं पाएगी। दोस्तों, तभी से कहा जाता है कि औरतों के पेट में कोई बात नहीं पचती, अगर उन्हें किसी भेद का पता चल जाए तो वे फौरन दूसरी औरत को बता देती है। महाभारत काल से ये श्राप औरतों के लिए चला आ रहा है। इसी प्रकार गांधारी ने भी अपने सभी पुत्रों की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण को श्राप दिया था और धृतराष्ट्र को भी उसके 100 पुत्रों के मरने का श्राप मिला था। अगर आप जानना चाहते हैं कि महाभारत में किसने किसको श्राप दिए और वह श्राप किस तरह से पूरे हुए, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपके लिए उस पर वीडियो जरूर लाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।